एंड आर्किटेक्ट कुक्स। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं ना वो एक केक की रेसिपी है। इट्स अ वेरी इजी, वेरी सिंपल बट वेरी वेरी फैंसी लुकिंग केक। उसका पैटर्न बहुत ही खूबसूरत लगता है। आई लाइक टू कॉल इट द स्पाइडर वेब केक। सो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इस स्पाइडर वेब केक को बनाने के हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो स्पाइडर वेब केक बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे चाहिए 1 कप मैदा, ऑल पर्पज फ्लावर, उसके साथ 1/2 कप ऑफ शुगर, चीनी, यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑफ कोको पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ वैनिला एसेंस, 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अदर देन दैट वी नीड अबाउट 1/2 कप ऑफ मिल्क, एंड मिल्क की क्वांटिटी हो सकता है हमें इंक्रीज करनी पड़े, आई विल टेल यू व्हाई। यहाँ पे है हमारे पास 1/2 कप ऑफ कर्ड, ये जो घर पे हम दही जमाते हैं वही है, एंड साथ में है 1/4 कप ऑफ ऑयल। अदर देन दैट वी हैव द बेकिंग डिश विच वी विल ग्रीस विद द ऑयल। एंड आइए हम शुरू करते हैं बहुत ही आसान, बहुत ही झटपट बनने वाला ये स्पाइडर वेब केक। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे ड्राई इंग्रीडियंट्स हैं उनको मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो मैदा के साथ हमने ये वी पुट इन द सॉल्ट, द बेकिंग सोडा एंड द बेकिंग पाउडर। कोको पाउडर हमें अभी नहीं मिलाना है। इन सबको हम लोग विल गिव इट अ क्विक मिक्स सो दैट एवरीथिंग गेट्स मिक्स्ड अप प्रॉपरली। आप चाहें तो इस स्टेज पर ये सब सीव भी कर सकते हैं, बट मेक इफ यू आर नॉट यूजिंग द सीव मेक श्योर कि एवरीथिंग गेट्स मिक्स्ड प्रॉपरली। इन द मीन टाइम हम लोग अपनी जो शुगर है उसको जो वेट इंग्रीडियंट्स है उसके साथ मिला देंगे। तो शुगर में हम लोगों ने ये कर्ड मिला दी, ऑयल मिला दिया एंड वैनिला एसेंस मिला दिया। इसको भी हम लोग ने एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया। इन द मीन टाइम जो मेरी बेकिंग डिश है उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के एंड आई विल जस्ट ग्रीस इट। एंड बिफोर आई स्टार्टेड द होल प्रोसेस मैंने जो अपना ओटीजी है उसको 180 डिग्री सेल्सियस पे बेक मोड पे प्री हीट होने के लिए ऑन कर दिया था, बिकॉज बाय द टाइम वी आर मिक्सिंग इट एंड सेटिंग द केक तब तक हमारा अवन प्री हीट हो जाना चाहिए। नाउ वंस दिस इज डन वी विल स्टार्ट एडिंग द फ्लावर इन टू दिस वेट बैटर। तो इसको आप 2 बैचेस में डाल लीजिएगा, नॉट ऑल टूगेदर। पहले हमने आधा फ्लावर डाला एंड इनिशियली ग्रेजुअली सो दैट फ्लावर जो है वो हमारा उड़े नहीं, वी मिक्स इट। अब इस स्टेज पे हम लोगों को देख करके एंड देन वी हैव टू ऐड द मिल्क एज रिक्वायर्ड टू गेट द डिजायर्ड कंसिस्टेंसी। गिव इट अ क्विक ब्रिस्क स्टर सो दैट देयर आर नो लम्प्स एंड वी गेट अ स्मूथ बैटर। इस तरह से साइड स्क्रेप कर ले सो दैट कोई फ्लावर साइड से चिपका नहीं रह जाए। इसमें अब हम लोग इसमें से जो आधा दूध है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, अबाउट 1/4 कप, एंड पुट द रेस्ट साइड। जो मैदा है वो पहले वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलके जब एक पेस्ट बन जाती है देन इट इज इजियर टू ऐड द रेस्ट ऑफ द मिल्क एंड देन आपको लम्स नहीं आते हैं केक में, बैटर में। ये हमारा मिक्स हो गया एट दिस स्टेज। नाउ वी ऐड द रेस्ट ऑफ द बैटर। अगेन स्लाइटली इसको आप धीरे से फोल्ड इन टू द मिक्सचर कर लें सो दैट फ्लावर आपका इधर उधर उड़े नहीं। गिव इट अ क्विक मिक्स। इसमें ग्रेजुअली हम थोड़ा सा दूध और ऐड कर देंगे एंड लीविंग अबाउट 2 टेबलस्पून असाइड एंड अगेन वी गिव इट अ क्विक ब्रिस्क मिक्स। इसका जो बैटर है वो बिकॉज वी नीड टू सेट इट इन टू अ पर्टिकुलर पैटर्न तो हमें जो बैटर है ना वो थोड़ा सा फ्लोई चाहिए। अब इस स्टेज पे जब हमारा बैटर इस कंसिस्टेंसी का आ गया, ये आप देखें, तो इसमें से करीब आधा बैटर हम लोग अपने दूसरे बोल में निकाल लेंगे। सो अप्रोक्सीमेटली 1/2 द बैटर वी टेक आउट इन द अदर बोल एंड इसमें हम लोग अपना ये 2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। इसको फोल्ड कर देंगे इन टू द मिक्सचर एंड देन ये जो हमारा बाकी 2 टेबलस्पून है इसमें से हमने 1 टेबलस्पून अभी इसमें और डाल दिया दूध। गिव इट अ क्विक मिक्स। रेस्ट ऑफ द मिल्क भी थोड़ा थोड़ा हम लोग दोनों में ऐड कर दें सो होल ऑफ द मिल्क इज नाउ कंज्यूम्ड। स्क्रेप द साइड्स ऑफ द बोल एंड ये अब हमारे जो दोनों मिक्सेस हैं द वैनिला प्लेन वैनिला मिक्स
एंड द चॉकलेट मिक्स, ये दोनों अब हम लोगों के हो गए रेडी. नाउ वी विल स्टार्ट पोरिंग इट इन टू द बेकिंग डिश. नाउ दिस इज वेयर द पैटर्न कम्स इन. तो ये इट्स वेरी सिंपल बट इट हैज टू बी डन अ लिटिल पेशेंटली. तो ये अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग इसका बैटर कैसे पोर करेंगे एंड देन हाउ डू वी गेट द पैटर्न इन द एंड. जस्ट मेक श्योर कि कंसिस्टेंसी आपकी पोरिंग होनी चाहिए. अदरवाइज एट दिस स्टेज इफ यू फील कि कंसिस्टेंसी थोड़ी हमारी थिक हो रही है, फील फ्री टू एड अ टेबल स्पून और टू मोर ऑफ मिल्क. सो इसमें आप किसी भी ऑर्डर में स्टार्ट कर सकते हैं. आई विल स्टार्ट विद द वैनिला बैटर. तो ये मेरे पास करीब 2 टेबलस्पून मेजर का एक है लैडल. इससे सबसे पहले आई विल पोर, मतलब यू हैव टू पोर 2 टेबलस्पून एट अ टाइम. फर्स्ट जो है वो राइट इन द सेंटर ऑफ द केक डिश आप पोर कर दें, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी हमारी जो है वो थोड़ी सी पतली है तो वो ऑटोमेटिकली स्प्रेड होता जाएगा. अब सेम क्वांटिटी राइट इन द सेंटर ऑफ दिस वी पोर ऑफ द चॉकलेट बैटर. अ लिटिल मोर. आप चाहें तो आप कोई बोट ट्रे वगैरह भी ले लें और उसके थ्रू भी आप बोट पोर कर सकते हैं. दैट माइट मेक इट सिंपलर. आई लाइक टू डू इट डायरेक्टली विद द लैडल. देखिए कितनी खूबसूरती से ये पूरा स्पाइरल बनता जा रहा है हम लोगों का, दोनों बैटर्स का. बस केयरफुली खाली इसको थोड़ा पेशेंटली करना है, कॉम्प्लिकेटेड ये बिल्कुल नहीं है. जस्ट वेरी पेशेंटली यू हैव टू कीप पोरिंग वन बाय वन बोथ द बैटर्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर. दैट्स इट. तो यहां पे देखिए ये अब हमारा बेसिक पैटर्न बन गया. थोड़ा थोड़ा मेरा ये बैटर अभी बच गया है. आई शो यू व्हाट टू डू विद दिस आल्सो. सो अब सिंस इट्स अ स्पाइडर्स वेब, यहां पे वी टेक अ टूथपिक एंड देन राइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द के चॉकलेट वाला हम इस तरह से इसको बाहर की तरफ ले जाएं. पहले आप ये 4 पार्ट्स में इस तरह से कर दें, देन एक एक और बीच के क्वार्टर में कर दें. सो डजंट दिस लुक लाइक अ स्पाइडर्स वेब फ्रेंड्स. ये देखिए इट वॉजंट दिस सिंपल एक्चुअली. बस इतना पेशेंटली आपको खाली ये बैटर पोर करना है एंड देन यू हैव टू मेक दिस पैटर्न. नाउ दैट द केक बैटर इज रेडी इट्स टाइम टू पुट इट इनटू द ओवन. ओवन इज प्रीहीटेड एट 180 डिग्री सेल्सियस. सो आई एम गोइंग टू पुट द बेकिंग डिश इनटू द ओवन केयरफुली. तो ये ओवन के सेंटर में मैंने बेकिंग ट्रे रखी हुई है एंड अबाउट उसके सेंटर में आई विल पुश इन माय केक ट्रे एंड इसको मैं बंद कर दूंगी. इट विल टेक एनीवेयर बिटवीन 30-40 मिनट्स टू बेक द केक बट आई विल कम एंड सी वंस एट अराउंड 30 मिनट्स. डू द टूथपिक टेस्ट एंड देन सी व्हाट इट लुक्स लाइक. इन द मीन टाइम जो हमारा केक बैटर बच गया, लेट मी शो यू व्हाट वी डू विद दैट इमीडिएटली. तो जो केक बैटर हम लोगों का बच गया उसके लिए व्हाट आई डू इज कि अगेन आई टेक दिस कप. इस कप में हम लोग थोड़ा सा ये ग्रीस कर लेंगे. आप कोई कप ले लें, कोई छोटा सा बोल ले लें, वट एवर इज हैंडी. इसको आप ग्रीस कर लें इस तरह से एंड इसमें अब हम अपना यही उसी पैटर्न से आप ये वाला बैटर डालते जाएं. इसका हम लोग एक क्विकली मार्बल केक टाइप का बना लेंगे. सो ये हमने डाला, देन इन गोज आवर चॉकलेट अगेन. इसमें उतना केयरफुल आपको रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट्स अ मार्बल केक. इट्स ऑल गोइंग टू बी मिशमैश्ड इन द एंड. वो जो था जो हम लोगों को अपना स्पाइडर वेब बनाना था उसमें यू हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट. इसमें ये अब हम लोग सारा का सारा जो बैटर है ये इस तरह से हमने कर लिया. ये भी डाल दिया. किसी भी ऑर्डर में इसमें आप कर सकते हो, देयर इज नो वरी. एंड जो अब हम लोगों का थोड़ा सा बस चॉकलेट बैटर बाकी है
ये भी हमने इसमें डाल दिया। इसको अगेन आई टेक द टूथपिक एंड देन इसको बस मैं रफली इस तरह से एनी पैटर्न नो पैटर्न इसको मैंने इस तरह से मिक्स दे दिया। एंड इसको अब व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट इट इन माय माइक्रोवेव ओवन। ये माइक्रोवेव ओवन में मैं इसको डालूंगी एंड फुल पावर पे जस्ट 1.5 मिनट्स एंड आई विल पुट इट ऑन। सो ये मेरा छोटा सा कपकेक बन जाएगा इन जस्ट 1.5 मिनट्स। बट रिमेम्बर कि माइक्रोवेव में जब भी आप कुक करते हो तो 1.5 मिनट के बाद इमीडिएटली उस केक को मत निकालिएगा। इफ यू टेक आउट द केक इमीडिएटली बिकॉज माइक्रोवेव में बहुत हीट होती है, देयर इज अ लॉट ऑफ हीट इनसाइड द केक। सो इफ द हॉट केक इज टेकन आउट एंड सडनली वो कोल्ड एटमोस्फेयर से मिलता है बाहर की तो द केक टेंड्स टू बिकम रबड़ी। सो वंस द माइक्रोवेव टेंड्स टू कम टू अ स्टॉप जस्ट लीव इट इनसाइड फॉर एटलीस्ट 5-7 मिनट्स ओनली देन टेक इट आउट ऑफ द माइक्रोवेव। So I'll show you in a little while what this little cupcake looks like as well as what our spiderweb cake looks like. So see you in a while. So friends, by the time हमारा जो spiderweb cake है वो bake हो रहा है, it's time for the tip of the day. जैसा कि आप सब जानते हो मैं अपने हर एपिसोड में एक ना एक आर्किटेक्चर या इंटीरियर से रिलेटेड टिप जरूर देती हूँ। आज का हमारा टिप है इंटीरियर से रिलेटेड एंड दैट टिप इज कि जब भी हम लोगों के काउंटर्स होते हैं या कोई भी वार्डरोब हो आपके रूम पे या ये किचन वाले जो हमारे स्लैब्स के नीचे की मॉड्यूलर किचन के काउंटर्स हैं उसके नीचे फ्लोर लेवल पे वी हैव टू गिव अ डिप्रेशन ऑफ सॉर्ट्स लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड द टो स्पेस। टो स्पेस इसको इसलिए बोलते हैं कि मान लीजिए आप खड़े होकर यहाँ पे कुछ काम कर रहे हो, अगर ये टोटली फ्लैट रहेगा ना सो बिलीव मी कि ये छोटा सा डिटेल है बट इट इज वेरी वेरी अनकंफर्टेबल। अगर ये करीब दिस इज अराउंड 2 inches डिप्रेस्ड इनसाइड एंड अबाउट 4 inches हाई और यू कैन इवन मैच इट टू द लेवल ऑफ योर स्कर्टिंग, इट कैन बी 3 inches 4 inches 6 inches। अगर आपने कोई पैटर्न सेट करना है तो स्कर्टिंग से मैच कर लें, नहीं तो कम से कम 3 to 4 inches हाइट में एंड 2 inches डिप्रेस्ड एक स्पेस ये जरूर देनी चाहिए बिनीथ द वार्डरोब्स बिनीथ द कैबिनेट्स इन द किचन। It becomes much simpler when you're standing and working there. This is called the toe space. So that was the tip of the day. I'll see you in a while to show you what the cake looks like. So friends, ye dekhe, ye hamara bahut hi beautiful spider web cake is ready. Isko maine test kar liya tha around 30 minutes ke baad. There was still a couple of minutes ki der thi. To 33 minutes mein ye cake hamara ban ke ready ho gaya tha. Uske baad maine isko cool karne ke liye ek wire track tray pe rakh diya tha. तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको जब हम कट करते हैं तो व्हाट डज इट लुक लाइक। ऑल्सो हम लोगों का जो माइक्रोवेव में दैट क्यूट लिटिल कपकेक द नो वेस्ट थिंग, क्योंकि थोड़ा सा बैटर बच रहा था वो हम लोग ने 1.5 मिनट में माइक्रोवेव में कपकेक बनाया, इसको भी हम डीमोल्ड करके अभी देखते हैं व्हाट इट लुक्स लाइक। सो केक निकालने के बाद इसको कम से कम आप 15 से 20 मिनट ऐसे छोड़ दो एक वायर ट्रैक पे ताकि ये सब तरफ से कूल हो जाए एंड ओनली आफ्टर दैट इसके ऑल अलोंग द एजेस एक नाइफ आप कर दें। आप देख सकते हो इसका कितना खूबसूरत ये पैटर्न आया है, जस्ट लुक्स लाइक अ स्पाइडर वेब डजंट इट। ये बहुत ही प्यार से बहुत पेशेंटली आप बनाए एंड नाउ आई जस्ट कट इट अलोंग द वेब की लाइंस। आई जस्ट वांटेड टू शो यू व्हाट इट लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो एंड देन अनदर पीस एंड अनदर विद दिस ब्यूटिफुल पैटर्न। लिटिल कपकेक जो मैंने माइक्रो में बनाया था इसको भी हम डीमोल्ड करते हैं एंड देन आई टेक इट आउट फ्रॉम द कप एंड लुक एट दिस लिटिल मिनी केक। एंड आप देख सकते हो कि ये भी केक हमारा कितना स्पॉन्जी बना है। दिस वॉज द स्पाइडर वेब केक। बहुत सिंपल इजी रेसिपी है, आप ट्राई जरूर करिएगा एंड डू लेट मी नो हाउ इट टर्न्स आउट। I'll see you again next Saturday at 7 p.m. with a very easy, simple new recipe. Till then, enjoy!